सो हेलो एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू जिसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना है सो so, तो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ सीर सीक्रेट का ये वाइटामिन सी फेस स्क्रब सीर सीक्रेट का एक प्रोडक्ट पहले मैंने यूज किया था दैट वाज लिप एंड चिक टेंट जो कि बहुत मेरा आ, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली और वो मैंने मंगवाया था स्वीटर से और ये है आ, टीज फेस स्क्रब ये 25 ग्राम की एक पैकिंग मैंने की है एक तीन बार इसका स्क्रब हो जाएगा एक बार मैं कर चुकी हूँ और दो बार और इजीली हो जाएगा इसका प्राइस वन हंड्रेड नाइन रुपीजन है लेकिन ये मुझे साठ रुपए में मिल गया है तो मैं हमेशा नए नए ब्रांड के प्रोडक्ट ट्राई करती रहती हूँ कहीं से भी मिले लोकल मार्केट से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी मिले बस मुझे चाहिए होते हैं एंड अब बात करते हैं कि इसका जो बड़े वाली पैकिंग है वो भी आपको सेम कंटेनर में मिलेगी बट साइज चेंज हो जाएगा सेकेंड वो वन या वन से टू

इंटरनल बॉडी के लिए हेल्थ काफी ज्यादा हेल्दी होता है सेकंड वो हमारी uh... आउटर बॉडी पर भी काफी ज्यादा इंपेक्ट डालता है जिससे कि हमारी आउटर बॉडी भी काफी हेल्दी हो जाती है और आजकल इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी वाइटामिन सी आने लगा है जिससे कि हमारी स्किन पर जो आउटर पिगमेंटेशन होती है डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं अन होते हैं तो उसे लाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है पिगमेंटेशन फेड करता है डार्क स्पॉट्स को फेड करता है एंड जो भी हमारी स्किन इवन टोन हो जाती है कहीं से लाइट डार्क तो उसे इवन uh, टोन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है सेकेंड अगर बात की जाए कि ये हमारी स्किन पर जो रिंकल फाइनलाइंस आते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है बिकॉज हमारी स्किन पर देखिए एज बढ़ेगी तो रिंकल्स भी आएंगे फाइन लाइन भी आएंगे बूढ़े तो होंगे बट कुछ स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके हम थोड़ा सा ढीले तो कर सकते हैं और आजकल हर किसी को बूढ़ा नहीं होना है आई थिंक सर so, तो आप बात करते हैं इसका मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा तो फर्स्टली मैंने इसे यूज़ किया था आज से कुछ तीन से चार दिन पहले लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई तब बट मैंने जब इसे यूज़ किया था तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि मुझे आपके साथ रिव्यू तो शेयर करना था इसको यूज़ करने की कोई अलग से तिकड़म विकड़म नहीं है आपको इसे जस्ट अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद फेस पर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए उसके बाद अपने फेस पर थोड़ा सा अमाउंट लेना है उसके बाद आपको कुछ सेकेंड या एक से दो मिनट स्क्रब करना है इट्स इनफ टू मिनट्स इज इनफ आपको अच्छे से स्क्रब करना है नॉर्मली फिंगर टिप से ही स्क्रब करना है जब भी हम कभी भी पाम से स्क्रब करते हैं ना या फेशियल करते हैं तो वो हमारी स्किन पर कर... तो वो हमारी स्किन पर कहीं ना कहीं पिंपल्स क्रिएट कर देता है तो हमेशा फिंगर टिप्स की हेल्प से ही आपको स्क्रबिंग करनी है और दो मिनट तक जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पर नेक पर कर सकते हो और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर देना है तो ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा स्मूथ के साथ साथ ये आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और जस्ट एकदम से ना थोड़ा सा ग्लोइंग भी बना देता है ये हमारी स्किन को और ये हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव कर दे है क्योंकि इसके जो माइल्ड से पार्टिकल्स है ना वो काफी ज्यादा माइल्ड है जो कि हमारी स्किन के ओपन पोर्स होते हैं ना उसमें डर्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो वो उसको बाहर निकालता है जिससे कि हमारी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है एंड हमारी स्किन फुली रेडियंट हो जाती है तो ऑल ओवर मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एक्सपीरियंस इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे थे एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा कि ये uh, लिखा हुआ था ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है मुझे लगा कि ऑल स्किन टाइप है सभी की स्किन पर सूट कर सकता है इवन दैट मैंस भी इसे यूज कर सकते हैं वुमेन भी इसे यूज कर सकती हैं एंड ऑयली एंड ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं है। है। लेकिन विंटर्स में अगर मैं कहूँ तो विंटर्स में हो सकता है ये ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा ड्राई कर दे लेकिन ऑल ओवर ये गुड है ऐसी कोई मुझे ऐसी दिक्कत लगी नहीं अगर रिकमेंड करने की बात करू तो मुझे इसकी अंदर से आ रही थी अगर बात करू इसके इंग्रेडिएंट्स की तो यहाँ पर इसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है लेकिन बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी आप लोग देख लीजिएगा और बट जो भी इंग्रेडिएंट मुझे दिखे हैं वो सभी के सभी अच्छे हैं बट ऑल ओवर तो इसे यूज कर ही लिया तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आप भी इसे परचेज कर सकते हैं और ये इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से सो so, तो ये था मेरा होनेस रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर